मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के एक माया नाज ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं। मोहम्मद हफीज 17 अक्टूबर 1980 को पाकिस्तान के मशहूर शहर सरगोधा में पैदा हुए। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की तरफ से कप्तानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद हफीज ने अपने करियर का आगाज़ ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर किया, लेकिन आजकल वो मिडिल ऑर्डर में खेलते नज़र आते हैं। मोहम्मद हफीज को आईसीसी की तरफ से 2012 के T20 वर्ल्ड कप में बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब दिया गया। मोहम्मद हफीज ने नासर जमशेद के साथ ओपनिंग में 224 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप लगाने का एजाज भी हासिल किया। मोहम्मद हफीज एक अच्छे बल्लेबाज के अलावा एक अच्छे बॉलर भी हैं। इन्होंने बॉलिंग में भी बहुत सी फतूहात हासिल की हैं। मोहम्मद हफीज आईसीसी की तरफ से मशकूक एक्शन के मसले से भी दो चार हो चुके हैं। मोहम्मद हफीज ने अपने करियर का आगाज़ 3 अप्रैल 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला एक रोज़ा मैच खेल कर किया और अपने टेस्ट करियर का आगाज़ 20 अगस्त 2003 में बांग्लादेश के खिलाफ खेल कर किया। मोहम्मद हफीज ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 3 जुलाई 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला और इसके बाद मोहम्मद हफीज अभी तक कोई टेस्ट मैच नहीं खेल सके। मोहम्मद हफीज ने अपना पहला T20 मैच 28 अगस्त 2006 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। मोहम्मद हफीज अब तक कोलकाता नाइट राइडर, फैसलाबाद वुल्व्स, लाहौर लायंस, पेशावर जलमी और वेस्टइंडीज की CPL में भी नुमाइंदगी कर चुके हैं। मोहम्मद हफीज अब तक अपने टेस्ट कैरियर में 50 टेस्ट मैच खेलकर 3,452 रन बना चुके हैं और इनमें 224 टॉप स्कोर है। और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मोहम्मद हफीज अब तक 197 मैच खेलकर 6,030 रन बना चुके हैं और इनकी बैटिंग एवरेज 32.90 है। मोहम्मद हफीज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 11 सेंचुरियां और 33 मिस्ड सेंचुरियां बना चुके हैं और टेस्ट मैच में मोहम्मद हफीज 9 सेंचुरियां और 12 मिस्ड सेंचुरियां बना चुके हैं। मोहम्मद हफीज टेस्ट मैचेस में 52 विकेट ले चुके हैं और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 136 विकेट लेने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। आप देख रहे थे क्रिकेट डायरी चैनल और मैं था आपका मेज़बान मियां फैसल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को शर्फ हासिल कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।